SRF लेकर आइए आप, SRF में बड़ी डिक्लाइन है आज, करीब करीब 3-3.5% की डिक्लाइन SRF में इस समय, इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ मैरिको अब 9% ऊपर है मैरिको, और क्या शानदार मूव है मैरिको में। डाबर भी 4% ऊपर है। डाबर आई थिंक हमने कल लिया था, शायद कल या परसों बिग स्टॉक है स्पॉटलाइट में, कि डाबर चलना चाहिए यहाँ से। और कोलगेट में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इंडियन होटल्स लेकर आइए एक बार, इंडियन होटल्स और ITC, ये दोनों मूव्स अच्छे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट एक बार इंडियन होटल्स खंगाल लेते हैं गौरांग जी। इंडियन होटल्स में नंबर्स के बाद एक थोड़ी करेक्शन आई थी, क्या वापस बाय जोन में आ गया स्टॉक? बिल्कुल अनुज भाई, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से रूम टैरिफ्स में टिप्पणियां मैनेजमेंट के तरफ से आई है, सिर्फ इंडियन होटल्स के ही नहीं, बाकी अन्य होटल कंपनीज के जो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दिया, 15-20% का इजाफा रूम टैरिफ्स होने की संभावना है। उसके साथ साथ बैंकवेट्स में से आमदनी, फूड एंड बेवरेजेस में से आमदनी, और जिस प्रकार से पर्यटन को लेकर के प्रोत्साहन सरकार दे रही है, हमें लग रहा है, और नए प्रॉपर्टीज खोल रहे हैं बहुत सारे होटल्स से जुड़ी हुई जो भी नाम है कंपनियां हैं, काफी सारे होटल आने वाले 3-5 सालों में खोलेगी। बुनियादी दर के आधार पर इंडियन होटल्स पर खरीदारी की राय। ओके, इंडियन होटल्स। और अच्छा, एक ट्रेड लिखा है एल्केम आवास पे। कल सुबह सुबह ये कॉल थी मानस की, ये ट्रेड उन्होंने पिक किया था अप्रोक्सीमेटली 4963 की डायरेक्टरी में। गजब मूव दिया इसने कल, और 2 बजे इस ट्रेड को पिक किया था प्रकाश सर ने, और प्रकाश सर ने इसको पिक किया था करीब करीब 5137 पे। अभी आ गया है 5217 पे। अब टेक्निकली प्रकाश सर से मत लेते हैं इस पर। प्रकाश सर, ये ट्रेड पहले मानस ने बहुत अच्छा प्ले किया, उसके बाद आपने ग्रैब किया सर इसको 5210, ये इन द मनी है ट्रेड। अभी कल की कैंडल को ओवरटेक कर चुका है सर। आज के लिए व्यू क्या है इस पर आपका? आज के लिए व्यू मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 5130 का, पॉसिबल है क्या 5250-5300 की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा लंबा लेना चाहिए, 1-2 हफ्ते के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया स्टॉक है, सेटअप सही है, और हायर मूव देखेंगे, लेकिन यस आज के लिए करीब 5300 के करीब देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक स्टॉक और मार्क करूंगा, क्योंकि कल गोदरेज प्रॉपर्टीज चला, डीएलएफ चला, ओबरा रियल्टी चला, शिवांगी ने तो इस वक्त ओबरा रियल्टी पिक भी किया 1504 पे। एक बार आशीष बहती जी देखिए आप एस्ट्रल को, मेरे स्क्रीन पे भाव है 2120 रुपए का। क्या ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट क्या इंतजार कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है? मेरे ख्याल से ये 11 जनवरी 2022 से चली आ रही एक राइजिंग चैनल के हाइस को बार बार टेस्ट करता हूँ आशीष जी, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। आपका व्यू इस वक्त एस्ट्रल पे? जी वीरेन जी, इनफैक्ट एक हमने एक रिलेशन रहता है एस्ट्रल और पॉलीकैब में, दोनों में बहुत अच्छा मोमेंटम साथ में ही बनता है। पॉलीकैब में ऑलरेडी मोमेंटम बन चुका है, हमें लग रहा है कि एस्ट्रल में भी एक चेजअप यहाँ से देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, ये अब जो अपने मार्च 24 का जोन है उसे निकालता हुआ देखने मिल रहा है, तो यहाँ से जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2100 के करीब का एक SL लगाए, छोटा सा SL है आज का डे लो के करीब का ही, और हमें लग रहा है कि इसमें 2170 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके।